तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगे में लुटाता रहूं। थैंक यू दोस्त। रोज अखिया रहेला इंतजार में। हेलो दोस्त, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से और स्वस्थ होंगे। आज हम देखिए कल के लोकेशन में हैं, जहां कल अपना ब्लॉग शूट किया था, तो आज वही लोकेशन में हैं और आपको दिखाने वाले हैं बेहतरीन वीडियो जो अलग अलग टॉपिक पे होती है हमारे। देखो वीडियो में हम सॉन्ग भी करते हैं और लोगों को जानकारी भी देते हैं, जो भी बन सकता है, मतलब जो भी हो सकता है हमसे, तो मतलब आपको जानकारी देते हैं। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बने रहिए दोस्त चैनल पे और हम दिखाते हैं। तो दोस्त फिर बताइए कि मतलब एक्सरसाइज करने के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है कि सबसे बड़ी हमको फ़ायदा इसमें ये समझ में आया कि जो हमारा फैट होता है, हाँ, वो कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, जिससे हमें एसिडिटी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पेट से ही बनती हैं। हाँ। और पेट अगर हमारा क्लीन है, साफ है, हमें पानी भी प्यास अच्छी लगती है, पेट में दर्द नहीं होता, एसिडिटी नहीं बनती, गले में खराश नहीं आती, सर्दी जुकाम नहीं होती, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज में हमारी आती हैं। हाँ। एक्सरसाइज करना बहुत अनिवार्य है, बहुत हर व्यक्ति को अनिवार्य है, चाहे वो 15 साल का लड़का हो या 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन एक्सरसाइज से मैं ये समझता हूँ कि बंदे की 10 साल उम्र बढ़ सकती है। हाँ। उसकी बॉडी फिटनेस होने की वजह से फुर्तीला, नवयुवक जवान, 40 साल का बंदा ऐसा लगेगा कि 35 साल का अभी भी है। हाँ। इसलिए मैं एक्सरसाइज पे बहुत भरोसा करता हूँ और बंदे जितना भी हम एक्सरसाइज करते भी है, और मैं चाहूंगा सब लोगों से कि नशा बहुत कम करें जितना सीमित हो। हाँ, गुटका है, ये धूम्रपान है, बहुत सारे चीजें हैं, नशे पदार्थ, लेकिन हम कम करें कि कौन कौन से नशा होते हैं। यस। हाँ। और कम करें, अब कम करें, धीरे धीरे आदत बंद हो सकती है। हाँ। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। मतलब ये है कि मतलब बॉडी में जितना भी मतलब तुम नशीली पदार्थ यूज करोगे तो उतना ही बॉडी आपकी नशीली पदार्थ है मतलब यूज करने के लिए कोशिश करेगी। yes, मतलब yes. तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम और करें, फिर मतलब एक समय आएगा कि मतलब आप सीमा पार कर जाओगे तो फिर बॉडी के लिए बड़ा इफेक्ट पड़ता है, मतलब बॉडी के लिए नुकसान होता है। फिर ये सब यही चीजें सोच समझ के हर इंसान सवेरे जगना, टाइम से जगने के बाद हर लोग, सब आदमी मिल के, अगर किसी को बाहर नहीं जाना है तो अपनी छत पे चला जाए, जिसके पास छत नहीं है तो दरवाजा है, दरवाजे के सामने जगह रहती है। आज तो गवर्नमेंट ने आरसीसियां जगह जगह बनवा दी है। हाँ। तो आरसीसी में भी चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आज 5 मिनट अगर चले हैं तो कल के दिन 15 मिनट चले, 10 मिनट चले, जिसमें से घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्हें भी सिखाएं, उन्हें आदत डलाएं सवेरे जगने की। घर में जो गृहिणी होती है वो सवेरे क्यों उठती है, जल्दी बीमार क्यों नहीं होती, उसका रीजन यही है, सवेरे जल्दी जगना और अपना वर्क आउट करना। yes, जो घरेलू कार्य है उन्हें मतलब करना, तो मतलब उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो इसलिए मतलब जल्दी वो बीमार नहीं होती। हाँ। हेलो दोस्त, तो आप देखिए रोज की तरह हम आज अपने दोस्त से कहेंगे कि भोजपुरी में आपको कुछ बताए। आपको, मुझे उम्मीद है कि भोजपुरी सुन के बहुत आपको अच्छा लगता होगा, तो दोस्त आप बताइए भोजपुरी में क्या कहना चाहते हो। देखिए, मैं भोजपुरी का कोई सिंगर नहीं या कोई भाषा मुझे, मतलब हाँ, मैं काम किया करता था तो बिहार के बंदे मुझसे बातें करते थे, तो मैं धीरे धीरे करके भोजपुरी भाषा सीख गया, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के बारे में जो मैंने बताया अभी, उसके बारे में मैं भोजपुरी भाषा में आपको बताऊँगा कैसे बोला जाता है। तो हम कहनी ना कि डेली एक्सरसाइज वो करी, अब बड़ा के प्रणाम, अ छोटका के पैर भरा दुलार। हमारा तो लगेगा कि एक्सरसाइज से बड़ा दिमाग में उलझन्ना रही, दिमाग को फ्रेश रही, पेटो फ्रेश रही, और जब पेट फ्रेश रही तो दिमाग फ्रेश रही। हाँ। हमारे विश्वास बा रउआ, हम सोचता नहीं कि रउआ करी, सवेरे में टाइम से जागी और जाग के एक्सरसाइज करी ना, तो बड़ा नीमन रही, बॉडी फिटनेस होके
कारण बाकी एक्सरसाइज से बढ़िया पेट साफ रही, पानी पी टाइम से खाना खाई और टाइम से अपन कारोबार और प्रॉपर्टी जो भी रहेला पढ़ाई लिखाई जो भी रहेला तो करी। तो ठीक बा तो दोस्तों फिर एक मतलब भोजपुरी सॉन्ग से एक हो जाए जो रोज वीडियो में हम आपको सुनाते हैं। तो मतलब मुझे आशा है कि आपको गाना सुन के भोजपुरी बहुत अच्छा लगता होगा और इन्जॉय भी करते होंगे। मेरे कई दोस्त बोले भी हैं कि यार भोजपुरी सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी इसी वीडियो पे सुनिए आप भोजपुरी मेरे दोस्त के जुबान से। मैं देखिए कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बोलते हैं तो मैं ज़रूर आपको एक लाइन भोजपुरी का गीत सुनाऊंगा जो बिहार के मिस्टर खेसारी लाल अभिनेता हैं, उन्होंने एक गीत गाया था जो मैं उनका एक लाइन गीत गाना चाहूँगा। जब से नैना मिलल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोहके बनौले बाड़े कवन माटी शान के। मेरे भाई आपने मुझसे कहा कि भोजपुरी की भाषा में छोटा सा गीत सुनाइए, मैं आप यही कहूँगा कि आप भी छोटे सा एक लाइन जरूर सुनाइए गीत, आप सुनाइए। तो मैं बॉलीवुड का हिंदी सॉन्ग सुना रहा हूँ इसलिए कि मुझे भोजपुरी तो आती नहीं है। तो तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगे में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगे में लुटाता रहूं। हेलो दोस्त, तो हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और कल की तरह आज भी हमने सॉन्ग सुनाया, पर लेकिन मैंने भी आज एक छोटा सा सॉन्ग सुनाया बॉलीवुड का हिंदी सॉन्ग। तो ये वीडियो देखकर ये ब्लॉग आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से रहें और जहाँ भी रहें तो हमेशा हंसते रहें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस दोस्त, अब यहीं से अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं और अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।